चलो हमारे किट्टू का हेयर बैंड देखो, हेयर बैंड देखो हमारे किट्टू का हेयर बैंड। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है मैं हूँ अपने मायके में, और सॉरी मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गई हूँ। मतलब कि उस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया कि मैं मायके जाने वाली हूँ और क्यों जाने वाली हूँ, तो भाई आपको सरप्राइज़ देना था इस वजह से। तो अभी जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में महाशिवरात्रि ब्लॉग। लेकिन महाशिवरात्रि पर हम लोग कहीं गए नहीं हैं, घर ही पे, क्योंकि घर पर बहुत ज़्यादा काम था, थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है कुछ मेहमान आने वाले थे घर पे, इस वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पाए थे। तो ठीक है, घर पे जो हम लोगों ने पूजा वगैरह करी है पापा मम्मी के साथ में, वो मैं आज अपने ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। बाकी अगर आप शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप पिछले साल वाला ब्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके जो है पुरानी मेरी एक साल पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उस पर जो है ना मतलब कि मैंने मम्मी की पायल भी पहनी थी और मंदिर गए थे भाई के साथ, वहाँ पर हम लोगों ने जल चढ़ाया था, पूजा किया था, तो वो ब्लॉग जो है आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ से। बाकी आज के ब्लॉग में आप लोग देखिए कि हम लोगों ने पूजा कैसे करी थी। तो चलिए व्लॉग देख लीजिए, इसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, और पूजा जो है यहाँ पे पापा मम्मी मैं और किट्टू भी करेगी। जी हाँ, ये देखो किट्टू भी पूजा कर रही है, और बहुत देखो आरती की जो थाली है ना उसको लेकर जो है ना घूमती रहती है दिन भर, और पूजा ही करती रहती है बस। और यहाँ पे आती है तो उसका यही काम होता है। तो ये देखो घंटी बजा रही है और डांस कर रही है घूम घूम के, देखो बहुत मस्ती सूझती है इसको सच में। ये देखो मतलब कि ये है कि मम्मी पापा मम्मी नाना नानी सब पूजा कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों छोटू भाई मैं भी करूँगी। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी हैं, और पहले ही बताया था मैंने कि ये तीर्थ का जो है पत्थर था उसको जो है हमने यहाँ पे रख दिया है, स्थापना कर दी है, और हम उनको पूजा करते हैं। और ये शिव जी हैं हमारे लिए, तो समझ लीजिए कि हम लोग जो है ना घर बैठे जो है ना एक हिसाब से मंदिर में ही हैं, क्योंकि ये बाहर का पत्थर है और बहुत ही अच्छी जगह का है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए अब बस आरती के लिए जो है पापा दीपक लगा रहे हैं ताकि हम लोग फिर आरती करें। और यहाँ पे आती है ना तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब कि सब तैयारी कर देते हैं मम्मी पापा, लेकिन जब घर पे पूजा करते हैं ना तो मतलब तैयारी मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, और अच्छा भी लगता है ना सबके साथ में पूजा करो तो। और पिछले साल का ब्लॉग देखोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है, जैसा कि बताया मैंने कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया, आप देख सकते हो। और साड़ी मैंने इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि लेट हो रही थी पूजा के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लास्ट में जो है ना मतलब क्या बोलूँ अब मैं, आप नहीं समझोगे। तो ठीक है, बस इतनी ये प्रॉब्लम है कि साड़ी नहीं पहन पाई मैं जल्दी में, इस वजह से यहाँ पे जो है सूटी पहनी हुई हूँ। और आप लोग बोलोगे ना इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग कहोगे कि दी आपने साड़ी नहीं पहनी, बस इसी वजह से बता दी है मैंने। तो यहाँ पर बस मम्मी जो है अगरबत्ती लगा लेंगी, इसके बाद फिर हम लोग जो है पूजा स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारी जो ऑलरेडी पूजा देखो आप देखोगे बेलपत्ती फूल वगैरह सब चढ़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो जो है मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि किट्टू जो है परेशान कर रही थी और पापा जो है पूजा कर रहे थे, पापा तिलक वगैरह लगाते हैं सभी भगवानों को, तो किट्टू परेशान कर रही थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, और ट्राइपॉड की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो यहाँ पे अब हम लोग आरती कर रहे हैं, और किट्टू भी हमारे साथ देखो बाकायदा ताली बजा बजा के आरती कर रही है, और बिल्कुल फुल एंजॉय कर रही है वो, उसे बड़ा मज़ा आता है। और हम वो वैसे भी भगवान को जहाँ भी देखती है ना तो वो जय जय करने लगती है, ताली बजाती है, गाने गाने लगती है, ये जो है ना उसकी खासियत है। और बहुत खुश है वो आज के दिन में। तो यहाँ पर भोले बाबा जो है हम घर ही पर उनकी पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम था इसी वजह से जो हम बाहर नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पे ये देखिए बस
पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है मम्मी फ्राल वगैरह भी बनाएंगी घर ही पे। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए, इसलिए आगे आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे किट्टू आरती कर रही है देखो नानी के साथ। अब यहाँ पे मैं भी आरती कर लूँगी क्योंकि आरती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो किट्टू वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी, ताली बजाने का। और अभी हम लोग कर्पूर गरम कर रहे थे तो वो लगातार जो है घंटी बजा रही है। देखो डर लग रहा था अपने सर पे ही ना मार ले वो, क्योंकि वो उस तरीके से बजा ही रही है। देखो आप लोग बड़ी हँसियारी है, उल्टी उल्टी पकड़ी हुई है और उसको जो ऐसा कर रही है जैसा ऐसा लग रहा है एकदम से सर में लग जाएगी उसको, और एक दो बार हो भी चुका है उसके साथ ये। तो बस अब नानी के साथ वो भी देखो आरती घुमा रही है, इसमें अभी कपूर लगाया है। तो बस अब यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, होम करेंगे। तो यहाँ पे पापा होम लगा रहे हैं और किट्टू देख रही है कि कैसे पूजा करते हैं, नाना को देख रही है। देखो एक एक जो है ना उसकी नज़र जो है हट ही नहीं रही है, और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल भी बाहर जाने की जिद नहीं कर रही है न। और जब तक हम लोगों ने पूजा करी है ना तब तक वो हमारे पास ही थी, थोड़ी सी भी इधर से उधर नहीं हो रही थी वो, मतलब इतना ध्यान लगा था उसका पूजा में, एक एक चीज़ देख रही थी वो बड़े ध्यान से। तो बच्चे जो है पूजा करते टाइम वैसे ज़्यादा परेशान करते हैं, उस टाइम जब पापा बेलपत्ती वगैरह चढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे भी जो है ये वहाँ पर खड़ी हुई थी और बेलपत्ती वगैरह छीन रही थी और बोल रही थी मुझे भी चढ़ाना है। तो इस वजह से उस टाइम पे मैंने उसको पकड़ लिया था ताकि पापा आराम से पूजा कर लें। तो यहाँ पर बस अब किट्टू को भी होम लगवा दूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक बार जो है उसके हाथ से होम चढ़वा देंगे ताकि भगवान जी की जो है ना उसको आशीर्वाद देंगे। वैसे भी बच्चों के साथ भगवान हमेशा होते हैं। यहाँ पर देखो नानी को परेशान कर रही है। मम्मा देख रहे, मम्मा किट्टू आ जाओ, तुम भी डाल दो ये लो, ऐसे बैठो 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 बैठो, ऐसे रखो ऐसे डाल दो उसमें डाल दो, जाओ जाओ जय जय कर लो, ऐसे दोनों हाथ जय करो जय करो। तो यहाँ पे होम लगा दिया है और पूजा बस सब लास्ट ही है ये, इसके बाद जो है चाय वगैरह पियेंगे, चाय बनानी है। तो चाय मैंने बना दी थी, मम्मी ने फ्राली नमकीन बनाई थी और वो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। घर पे ही चिप्स और मूंगफली ये सब कुछ तल के जो है ना मम्मी ने उसमें सेंधा नमक वगैरह डाल के और मिक्स करके और बस वही नमकीन बना लिया था। बाजार से ख़रीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारी किट्टू देखो कहाँ गई दिखी नहीं, पता नहीं मम्मी शायद नानी के पास गई है। और यहाँ पे भगवान जी को जो है प्रणाम कर रहे हैं कि भाई ऐसी तरीके से जो है हमें पूजा करने का जो है अवसर हर साल मिलता रहे और सब लोग खुश रहें, बस यही चाहते हैं, यही प्रार्थना रहती है भगवान से सभी की। तो बस मेरी पूजा तो हो चुकी है, पापा जो हैं अपना किताब पढ़ रहे हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे मम्मी वीडियो बना रही थी और कैमरा ऑफ नहीं हो रहा था उनसे, तो वो मेरे पास लेकर आ रही थी। तो बस अब हम लोग चाय वाय पियेंगे और किट्टू को भी कुछ खिला दूँगी क्योंकि अब खाने का टाइम हो चुका है। वैसे सुबह उसने नाश्ते में पराठे खाए थे और बिस्किट वगैरह खा लिया था, और अब जो है उसको थोड़ा सा कुछ भी उसके लिए बना देंगे ताकि वो कुछ खा ले, क्योंकि हम लोगों का जो था मम्मी पापा भाई और मेरा सबका व्रत था तो खाना तो बना नहीं था। किट्टू के लिए जो है थोड़ा सा बना दिया था पराठा दिन में, और अभी जो है थोड़ा सा चावल में जो है ना दाल वगैरह ऐड करके बना दिया था थोड़ा सा, तो वो उसको खिला दिया था। तो यहाँ पे नमकीन भी उसने हम लोगों के साथ खाया था, होता है ना बच्चों की आदत होती है कि जो हम लोग खाते हैं ना तो वो
भी साथ में खा लेते हैं, बाकी अगर ऐसे दो तो नहीं खाती है किट्टू भी, साथ में खा लेती है वो। तो यहाँ पे मम्मी नमकीन मिक्स कर रही है, सेंधा नमक वगैरह सब ऐड कर दिया है और हाथों की हेल्प से ही उसको अच्छे से मिक्स कर रही है। जो चिप्स है वो मम्मी ने घर ही में तले हैं और बस थोड़ा सा उसको जो है ना टुकड़े टुकड़े करके अच्छे से मिक्स कर रही हैं। और मूँगफली वगैरह भी इसमें है, आप देख सकते हो। ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ने कटोरी में मुझे भी दे दिया कि लो खाओ। तो बस गाइस ये था आज का ब्लॉग छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं कर पाए थे। बाकी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।